In this video lectures, we are going to study azepines. Azepin की आप जो ring देखोगे तो ये 7-membered ring है, जिसमें कि आप देख सकते हो first position पे nitrogen, 2, 3, 4, 5, 6 and ये 7. 7-membered ring है. इसे आप cyclic board form में भी देख सकते हो और 22% chair form में भी. प्लेनर जो azepines है इसमें N नाइट्रोजन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है इसमें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 3 डबल बॉन्ड्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके हो गए और एक जो नाइट्रोजन पे 2 लोन पे आ रहे हैं. ठीक है, अब इसमें ये साइक्लिक है और प्लेनर है और इसमें एंटी एरोमेटिक रूल है क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एरोमेटिक एजेंट नहीं है. टॉटमोरिज्म इसमें होते रहते हैं तो आपने कई बार स्ट्रक्चर्स में देखे होंगे 1H azepine, 3H azepine, 4H azepine, 2H azepine. तो ये कैसे आते हैं, जहाँ भी हाइड्रोजन जिस नंबर पे अटैच है नाइट्रोजन के या कार्बन के तो उस पर इसको रिजेंबल कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो 1H azepine, यहाँ आप देख सकते हो 3 नंबर 1, 2 और ये 3, 3 नंबर पे हाइड्रोजन अटैच है इसलिए 3H azepine. ठीक है, अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखेंगे तो 3H की ज़्यादा है कंपेयर विद द 4H एंड सबसे कम है 1H की. सिंथेसिस देखें अगर हम अजेपिन की सिंथेसिस में वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें कि पाइरिडीन बेंजीन यूज किया है इथाइल कार्बो अजिडेट के साथ. यूवी लाइट में इसमें से जो N2 मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा यहाँ का और इतना ऑरेंज पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो ये 2 साइकिल फॉर्म बाईसाइक्लिक फॉर्म में बन जाएगा. फिर जो ये बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये 7-membered स्ट्रक्चर बनेगा. अब इसमें आप OH ऐड करोगे, हाइड्रोक्सिलेशन कराओगे तो जो ये कंपाउंड था C2H5COH ये निकल जाएगा. फिर आइसोमराइजेशन के बाद ये थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ ये वन एच azepine हो गया, ये 3H azepine हो गया. इस तरीके से इसकी सिंथेसिस है. सेकंड सिंथेसिस देखेंगे फ्रॉम फिनाइल अजाइड्स. फिनाइल अजाइड्स का स्ट्रक्चर है, एक फिनाइल ग्रुप पे आपको 3 नाइट्रोजन्स बॉन्डेड दिखेगी. हीट करने के बाद में इसमें से N2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगी और साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको. ये साइक्लिक जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ में बॉन्ड हो जाएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, बेंजा अजीराइन. बेंजा अजीराइन जो है ये डाइथाइल अमाइन के साथ में रिएक्ट होता है तो ये डाइथाइल अमाइन का नाइट्रोजन यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपको 1-azepin डेरिवेटिव मिलेगा. आइसोमराइजेशन के बाद में आपको 3H azepin मिल जाएगा. नेक्स्ट सिंथेसिस है नाइट्रोबेंजीन के साथ में. नाइट्रोबेंजीन में आप देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन में को आप ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट कराओगे और उसमें फिर आपको इथेनॉल ऐड करना है जो कि इथेनॉल में से ओ आर अटैक करेगा इस पर और फाइनली आपको azepines मिलेगी. नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे हम लोग. रिएक्शन में आप देख सकते हो पहली रिएक्शन है थर्मल रिएक्शन, इसमें
एन कार्बोइथॉक्सी वन अजेप वन एच अजेपिन है, ये कार्बोइथॉक्सी इसको नॉमेनक्लेट किया है। यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें एन फिनाइल कार्बामेट मिलेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे तो जो ये रिंग है ये यूवी लाइट में डिस्टॉर्ट हो जाएगी और आपको यहाँ बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डायल्स एल्डर रिएक्शन, 6+2π इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है ये। इसमें आप देखोगे अजेपिन है वो रिएक्ट हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, तो 3-4 डाइफिनाइल 2-5 2-5 एसीटेट पेंटेनॉन इसकी रिएक्शन करेगी बेंजीन के प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको एक एट्रोपिन समवॉट एट्रोपिन लाइक स्ट्रक्चर है ये मिलेगा। मेडिसिनल यूजेस देख सकते हो आप, मेडिसिनल यूजेस में देखोगे अजेपिन रिंग जो है ये कार्बामा अजेपिन नाम में ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये रिंग मिल रही है आपको। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में जितने सारे कंपाउंड्स हैं इसमें सब में अजेपिन रिंग आएंगी ये देख सकते हो, तो इनमें यूजफुल है एंटी कन्वर्जेंट एंटी डिप्रेसेंट में इस तरीके से।